प्रदेश में पेपर लीक करने वाले गिरोह पर सरकार का एक्शन लगातार जारी है और एसटीएफ जो है वो एक्टिव मोड में है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक करने वालों को लेकर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, आज हम बात करेंगे कुछ प्रयागराज के आम लोगों से और उनसे समझेंगे कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है। आप ये बताएं कि जो कार्रवाई हो रही है, डॉक्टर साहब क्या लगता है कि कार्रवाई जो है माकूल है और इससे कोई फ़र्क दिखाई देता है? नहीं, ये कंप्लीट तो नहीं है, बल्कि देर में कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई और पहले होना चाहिए। इवन कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। घटना होने के पहले ही आप इसे रोक लें, वो भविष्य के लिए उचित है। जैसे बीमारी होने से पहले हम बचाव कर लें। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, योगी जी जो है वो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। बट जिस तरह से यह माफिया, नकल माफिया जिस तरह से बीच में पेपर का लीकेज कर देते हैं, उसकी वजह से वो बच्चे जो साल, दो साल, तीन साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर कभी वैकेंसी आती है और इम्तहान देते हैं और वो बीच में ही पेपर लीक की वजह से पूरा का पूरा पेपर कैंसिल हो जाता है, उनके मनोभाव पे जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही दुखद है। यह अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और कार्रवाई से उचित है कि ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम विकसित किया जाए कि जब भी कोई इम्तहान हो उसमें पेपर कहीं से लीक होने का ऑप्शन ही ना रहे, क्योंकि यह बच्चों के भविष्य, इस प्रदेश, इस देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो इसमें और भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे कानून आने चाहिए कि लोग, नकल विहीन परीक्षा हो और बिल्कुल उसमें सही और सही सिलेक्शन होना चाहिए। ये बहुत ही दुखद है। अपनी गिरफ्तारी की है जो ये देखिए, ये गिरफ्तारी आप किसी इस तरह की घटना होने के बाद अगर करते हैं तो ठीक है, चलता है, बट ये और अच्छा हो, बल्कि गिरफ्तारी करने के बाद ऐसा समाज में इसका प्रमाण जाए, ऐसा समाज में इसका वो जाए कि दोबारा करने की हिम्मत ही ना करें। कितने बच्चों का भविष्य इससे ख़राब होता है, दो दो तीन तीन साल बच्चे जो है वो नीट की परीक्षा की तैयारी करते हैं, फिर जाके कहीं 1% लोगों का सिलेक्शन होता है, उसमें 99% बच्चे जो है वो डिप्रेशन में जाने का डर रहता है। उनका आरओ का पेपर लीक हुआ था कांस्टेबल का, जो यूपी में जो परीक्षाएं हुई थी उस पर सोचिए, यूपी में दो दो परीक्षाएं आपका पुलिस कांस्टेबल वाला और आरओ का हुआ, और बच्चे कितने परेशान हुए, दो दो तीन तीन साल वो तैयारी करते रहे। निश्चित रूप से यूपी में इसमें अच्छी कार्रवाई हो रही है, योगी आदित्यनाथ जी निश्चित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं, बट कुछ ऐसा सिस्टम विकसित हो कि ये घटना होने ही ना पाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में सरकार कर रही है, उसका क्या असर दिख रहा है? कार्रवाई निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, लेकिन ये कार्रवाई के लिए एक फुल प्रूफ प्लान अगर बना के लोग करें कि आगे से ऐसी घटनाएं दोबारा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और लगातार गिरफ्तारी हो रही है, एसटीएफ ने कई लोगों को कल भी पकड़ा, वो नहीं पकड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ हो सिस्टम की इन चीज़ों की नौबत ही ना आए, लोग इनसे मतलब बेफिक्र रहें कि एग्ज़ाम में अब इस तरह की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और हमेशा बेफिक्र होकर जो भी तैयारी करते हैं प्रतियोगी छात्र वो आराम से एग्ज़ाम दे सके, कि बाद में एसटीएफ और इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। जिस चीज़ के लिए एसटीएफ बनी है उस चीज़ में वो लगे, नकल के लिए थोड़ी बनी हुई है एसटीएफ, बनी है दूसरे शासन की आपराधिक प्रकरण को सही करने के लिए। और अगर अपराध इस तरह के बढ़े तो भाई योगी आदित्यनाथ जी अगर अपराधियों के प्रति, माफियाओं के प्रति ऐसे हैं, तो इन नकल माफियाओं के प्रति इस तरह का ठोस एक्शन लें कि आगे से इस तरह करने में डरें वो लोग, है ना? संदेश देने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? सर टाइम वेस्ट काफ़ी होता है, स्टूडेंट्स इतना देर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इतना देर हम लोग डिले हो जाता पेपर, बाद में हम लोग इतना वेट करने के बाद एग्ज़ाम का जब टाइम आता है तो होता है रिजल्ट का वेट करें तो फिर हो जाता है कि लीक हो गया पेपर, सारा टाइम वेस्ट होता है सर, तो काफ़ी टाइम वेस्टेज है, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है सर। क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई, जो कार्रवाई हो रही है, अभी गिरफ्तारी कल हुई है, आपने सुना होगा प्रयागराज से 6 लोग पकड़े। जी सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाया जाए, और सख्ती की ज़रूरत है, आपको क्या? जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग साल भर तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और अंत में पता चलता है एग्ज़ाम या कैंसिल हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, तो काफ़ी तकलीफ़ होता है, समय का भी लॉस होता है हम लोगों का। तो हम लोग ने पीजी के भी एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे थे, अभी पीजी का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया है, तो साल भर से जो आदमी मेहनत कर रहा है उसका होता है कि लक्ष्य कि हम साल भर के बाद एग्ज़ाम देंगे, कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचता है, कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है तो साल भर आदमी पीछे चला जाता है, तो हर चीज़ें उसी हिसाब से पीछे हो जाती हैं, तो सरकार के लिए उसके बारे में और सख्ती, आपको क्या लगता है जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, लगातार जो लोग पकड़े जा रहे हैं, एसटीएफ लगाई गई है, लगता है कि कंट्रोल हो पाए? सर कंट्रोल तो प्रशासन ही कर सकती है, और ये सब चीज़ें बहुत ही निंदा वाली चीज़ें हैं, क्योंकि
लाइफ टाइम से बच्चे तैयारी करते हैं और लास्ट में आके पेपर लीक हो जाता है तो उसमें उन वो एक हताश हो जाते हैं, फिर पढ़ाई के नाम से वो सब कहीं ना कहीं एक गलत भावना लेके वो डिमोटिवेट होते हैं। ठीक है सर, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा सरकार से हमारा अनुरोध है कि ऐसी चीज़ें ना हो और निष्पक्ष कोई चीज़ हो जिसमें हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मनोबल आगे बढ़े। कंपटीशन से जो भी आए कंपटीशन से आए, लेकिन ये पर्चा लीक आउट हो जाना, साल भर बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, वो फिर बहुत डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट उनके परिवार का भी, अभी एक मैं न्यूज़ देख रहा था परसों से, बच्ची टाइम से नहीं पहुंच पाई, ठीक है उसकी गलती है, वो उनके फादर मदर रो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिक्कतें सरकार ही कर सकती है दुरुस्त, और मैं तो चाहता हूँ कि जो एजुकेशन है उसको बहुत साफ सुथरा और निष्पक्ष होना चाहिए और दुरुस्त होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिस तरह से जो कार्रवाई हो रही है, एक रणनीति तैयार की है योगी सरकार ने कि जो नकल माफिया है, जो लोग नकल करवाते हैं, पर्चे लीक करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, एसटीएफ को लगाया है, तो क्या लगता है कि उससे कंट्रोल हो पाएगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो सख्त छवि है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर उन्होंने कंट्रोल किया। आपने देखा होगा कि गोरखपुर में जो जापानी इंसेफ्लाइटिस वगैरह की बीमारियाँ थी, धीरे धीरे उस पर कंट्रोल किया, माफिया पर कंट्रोल किया। क्या लगता है नकल माफिया पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए बहुत उम्मीदें हैं हमें हमारे अपने मुख्यमंत्री जी से, जिस तरह से उन्होंने अपने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लागू किया, जिस तरह से कोरोना में उन्होंने सबसे बड़े वैरियर के रूप में उन्होंने पूरे प्रदेश में जिस ढंग से उन्होंने लागू किया और कंट्रोल किया था, यहाँ ये उम्मीद करते हैं कि यदि एक सही टेक्नोलॉजी के साथ, सही सिस्टम के साथ वो प्लान करेंगे तो निश्चित रूप से नकल विहीन और ये इस तरह से पेपर लीक में भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी पूरी संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं है, बट बशर्ते यही है कि ये इस ऐसा एक सिस्टम बने कि हर हाल में लोगों को ये डर लगे कि अगर यदि वो पेपर लीक में सम्मिलित होते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ऐसी सज़ा समाज को ऐसा संदेश जाए कि फिर वो दोबारा हिम्मत ना करें। जैसे कि आज चारों तरफ इवन देखें, अगर आपकी जिस तरह से एक समय में ये जो रोमियो रोड रोमियो हुआ करते थे, लड़के स्कूलों के सामने, गर्ल्स स्कूलों के सामने खड़े होते थे, आज एक भी स्कूल के सामने कोई नज़र नहीं आता। तो अगर यदि कुछ ऐसा रूल बनेगा तो निश्चित रूप से इस पर लगाम लगे और बहुत आवश्यक है। कितना बड़ा लॉस होता है, कितना बड़ा मनोभाव बच्चों का डाउन होता है, वो बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं और वो पता चला इस तरह की एक कमी की वजह से, कुछ लोगों की इस लालच की वजह से कि वो इस तरह से नकल में जो है वो नकल करा के या पेपर लीक करा के अपने कुछ लोगों के सिलेक्शन के चक्कर में जो नुकसान कर रहे हैं समाज को, बहुत बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। और सख्ती की ज़रूरत है आपको, और सख्त कानून की जरूरत 100% इसे सबसे बड़े अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए जी। सबसे बड़े अपराध की श्रेणी में रख करके ऐसा कानून, ऐसा नियम, ऐसा सिस्टम बने कि जब भी इम्तहान हो हर बच्चे को ये लगे कि वो बिल्कुल ही एक सही फेयर और पारदर्शी इम्तहान दे रहा है, कहीं उसके मन में ये आए ही ना विचार कि नहीं ये कि वो नकल नहीं पाया या वो पेपर लीक कर नहीं पाया और उसके मन में इस तरह की बातें बिल्कुल भावना विकसित हो, बहुत ही आवश्यक है। आपको क्या लगता है और जो कार्रवाई हो रही है और सख्ती की ज़रूरत है, कुछ और सख्त कानून चाहिए? हाँ, कानून सख्ती हो और इस तरह का हो कि जैसे नॉन अवेलेबल वारंट, मतलब आप उसको जो लोग हों उनको आप मार कर लिए, अगली बार इस तरह की घटनाएं ना हो, और एकदम ऐसा कानून हो कि लोगों की नज़र में रहे कि नहीं अगर दोबारा हम करेंगे तो इस तरह की दिक्कत होगी। और लड़के भी जो डोजर वगैरह भी चलते हैं, हाँ एकदम चलाना चाहिए, और लड़कों को भी जो लड़के एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको रहेगा कि इस बार नहीं होना, अब आगे से नहीं होगा, और जो कराने वाले उनको डर रहेगा कि भैया फैमिली जो घर है ये सब डिमोलिश हो जाएंगे, बुलडोजर चल जाएगा। तो ये एक्शन सही अगर इस तरह का हो जाए तो फिर तो आधे ऐसे ही डरे रहेंगे। की तैयारी कर रही है सरकार, सख्ती की तैयारी कर रही है, जो तमाम सख्त कदम उठाए, कोशिश कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ रूल्स है कि रिपीट कभी हो ही ना, कभी कोई डेयर करे ही ना कि ऐसा आगे फिर हो सके, तो सर है उम्मीद है, देखते क्या होता है। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा एसटीएफ तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रही, मैं सरकार से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि एसटीएफ जैसे कि एक गठित चीज़ है, ठीक है ना सर, एक गठित है, उनको अरेस्ट करना, उनकी पावर को, लेकिन सर ये हाई लेवल से जो गलतियाँ हो रही हैं, जो बहुत हाई लेवल लोग इसमें इंक्लूडेड हैं, है ना, उनको सरकार उनको टाइट करे, जहाँ से पेपर रखा जाता है, जहाँ पेपर सेफ्टी से होता है वहीं से लीक हो रही, क्योंकि
फर्स्ट स्टेज पे कोई गलतियां होती तब जाके लोअर स्टेज पे भी होती है। तो मेरा कहना है कि जब हाई लेवल से कई कड़ा शासन होगा तो बट नेचुरली कि नीचे वाले भी टाइट होंगे, और बुलडोजर चलाना या ना चलाना ठीक है, लेकिन उनको जो ये काम कर रहे हैं उनको पकड़ कर या उनको अरेस्ट कर कर ताजीवन उनको जेल में डालना चाहिए। कुछ ऐसा कड़ा चीज़ करना चाहिए कि आने वाला भविष्य उनको देख के थर आए कि हम कोई काम करें तो ऐसा ना करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी या कह लीजिए जो अगला आदमी इन्वॉल्व होगा उसके लिए भी बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा, और बच्चे भी संतुष्ट रहेंगे और पढ़ाई में भी उनका मनोबल होगा, नहीं तो बच्चों का मनोबल टूट जाता है पढ़ाई से। पेरेंट्स इतना पैसा लगा के अपने बच्चों की तैयारी करवाता है पढ़ाई में, किसी भी पढ़ाई में, ठीक है, अब वो कहीं लीक मनोबल टूट जाता है। आप कह रहे हैं सख्ती की और ज़रूरत है आपको? जी सर बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे पूरा उसमें अपना समय देते हैं तो सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए इसलिए इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत उम्मीदें हैं और होना भी चाहिए, होगा, क्योंकि जिस तरह से योगी जी की जो अपनी छवि है वही सबसे बड़ी हमारी आस है, और वो अगर यदि सख्त कानून लाएंगे तो जब जिस प्रदेश में इतनी बड़ी जनसंख्या है और इस प्रदेश में जिस ढंग से उन्होंने माफिया राज को ख़त्म किया है, लाइन ऑर्डर को उन्होंने लागू किया, और जैसे ही पता चलता रहा वो बुलडोजर एक्शन होता रहा, उसी तरह से बहुत उम्मीदें हैं कि नकल माफिया के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन होगा और यहाँ पर नकल विहीन परीक्षा होगी। पूरी पूरी उम्मीदें हैं और पूरा पूरा विश्वास है। तो निश्चित रूप से ये ढेर सारे बच्चों को ये शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में यह अपने प्रदेश में होने वाला है, बाकी एक बार ये निश्चित रूप से देश के लेवल पे भी हो। इस तरह से तमाम मामलों में सख्त छवि मानी जाती है, तो प्रयागराज के तमाम लोगों का मानना है कि योगी जी इस मामले में भी सख्ती करेंगे और तमाम सख्त कानून बना करके नकल माफिया पर शिकंजा कसेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले पेपर लीक के मामलों पर सरकार एक्शन में है और तमाम जो कार्रवाइयां हो रही हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, एसटीएफ जो है वो एक तरह से सक्रिय हो गई। तो हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं आपको क्या लगता है कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो जो पेपर लीक है उसको कंट्रोल कर पाएंगी, जिस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, छः लोगों की कल प्रयागराज से भी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल उस पर एक्शन हो रहा है, ये क्योंकि योगी जी के कार्यकाल में या योगी जी अगर कोई कार्य करेंगे तो उस पर एक्शन दिखेगा लोगों को। कारण यही है कि अभी तक जिस तरीके से अपराध खत्म हुआ है उस तरीके से अब नकल माफिया या पेपर लीक वाले जो माफिया लोग हैं वो गिरफ्त में आएंगे। अभी 6 आए हैं और जितने भी होंगे ये सब उसी मेंटेलिटी के लोग हैं जो फर्जी नौकरियाँ पा गए हैं या कोई इधर उधर से किसी तरीके से करता था। अब सरकार ने संकेत दे दिया है कि उनकी भी खैर नहीं, कुछ माफिया जो गुंडागर्दी करते थे मिट्टी में मिल गए, तो अब ये नकल कराने वाले या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले योगी जी के एक्शन में आ चुके हैं, अब वो बचेंगे नहीं। आपको क्या लगता है कार्रवाई से? देश की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि वह दिन कब आएगा जब ये लीक वाला मामला खत्म होगा। हर बात पे लीक, रेल हादसा हो जाए तो रेल मंत्री की जिम्मेदारी नहीं, पेपर लीक हो जाए तो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं, बाकी तो वो भगवान के अवतार ही हैं, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? यहाँ जनता अनाथ बेसहारा पड़ी हुई है। कार्रवाइयाँ शुरू हुई है, एसटीएफ रणनीति बनाई गई है, एसटीएफ को दिया गया है, गिरफ्तारियाँ हो रही है, बहुत अच्छी बात है। कार्रवाई हो तो बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई हो और परिणाम दिखे, पेपर लीक खत्म हो, छात्रों को राहत मिले, गार्जियन को राहत मिले तो अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उससे कंट्रोल कर पाएगी सरकार? कार्रवाई कहाँ हो रही है, इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कहाँ कार्रवाई हो रही है? जो असली जो लोग हैं वो पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, केवल नुमाइंदे पकड़े जा रहे हैं। असली अगर तह तक अगर ये लोग जाते तो दूसरी सरकार है, दूसरी बार रिपीट हुई है योगी जी की सरकार, दो बार की सरकार में। आप बताइए कितने पेपर लीक हो गए, उत्तर प्रदेश जो है उत्तर पहले आ जाता है, पेपर बाद में आता है, अब ये स्थिति हो गई है, मतलब ये इस तरह की स्थिति हो गई, इस तरह की स्थिति हो गई है। और आप ये जान लीजिए कि आप कह रहे हैं ना कि जैसे एसटीएफ लगा दी गई है, पता नहीं कितने हत्याएं ऐसी हुई हैं जिनका आज तक खुलासा नहीं हुआ है, जब लग रहा है खुलासा नहीं हो पाएगा, नहीं खुलासा होगा भाई, जारी रहेगा। भाई साहब बाबा बुलडोजर ऐसे आदमी के यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, ऐसे आदमी को जो छात्रों को गुमराह करें, कई छात्र बेचारे बेरोजगार उत्तर प्रदेश में परेशान है, जिसके नाते ये स्थिति आ गई। अनवरगंज लखनऊ में बुलडोजर चल रहा है, ऐसे आदमी के यहाँ बुलडोजर कहाँ नहीं चला रहे हैं बाबा?
बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? देखिए देखिए, अभी अभी इन्होंने ये शब्द कहा कि वो नहीं पकड़े जा रहे हैं जो पेपर लीक के मामले में हुए हैं, छह लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अगर इन्हें लगता है कि वो नहीं हैं, तो ये स्वयं बताएं ना कि इनके ग्रुप का कौन सा आदमी है, समाजवादी पार्टी के ऐसे कौन से लोग हैं जो इस ग्रुप में शामिल हैं और वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। हालांकि चिंता न करें, बुलडोजर चलेगा और उन्हीं लोगों पर चलेगा। आपको क्या लग रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है, सरकार जो एक्शन ले रही है, यूपी सरकार, वो माकूल एक्शन है, उसे कंट्रोल हो पाएगा? बिल्कुल, जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया है और जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, वो भी ऑब्जेक्शन करेंगे ना कि एग्जाम आपने क्यों कैंसिल किया। तो इसको तो ये होना चाहिए कि निष्पक्ष जब इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और बच्चों के साथ भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की मेहनत बेकार जाएगी। अगर सरकार तमाम रणनीति तैयार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, और तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है, लगता है इसे कंट्रोल लग पाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल होगा, गिरफ्तारियाँ होंगी, आगे जब जांच पड़ेगी तभी पता चलेगा कि इसमें सचमुच कौन दोषी हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको लग रहा है दोषियों पर कार्रवाई होगी? नहीं, पेपर लीक का मामला तो बहुत दिनों से चल रहा है और अभी तक तो कोई ऐसी विधिक कार्रवाई या कोई दंडात्मक कार्रवाई से कुछ नहीं हुआ है। अभी फिर से नीट वाले में भी यही हाल हो गया, UGC का भी वही हाल हो गया, RO AR O का भी वही हाल हो गया। तो गिरफ्तारियाँ तो हो रही हैं, लेकिन पेपर लीक रुकेगा अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, ये जो गिरोह सक्रिय हैं, जब तक जो है बड़े लोग जो बैठे हुए हैं और जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, जब तक उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये जो लोग छोटे लोग हैं निचले स्तर प्यादे को पकड़ ले रहे हैं, जो जो किंगपिन है, जो मेन मास्टरमाइंड है, वो नहीं पकड़े जाएंगे तो कैसे रुके? देखिए, पकड़े जाएंगे, आप इस बात का भरोसा रखिए, जनता को पूरा भरोसा है भी। कारण है भरोसा, साफ साफ देखिए कितनी गुंडागर्दी बदमाशी चलती थी, आखिर खत्म हुआ ना? तो बिल्कुल उसी तरीके से योगी सरकार में ये प्यादे ही नहीं, मूल आदमी भी पकड़ा जाएगा, सारे लोग पकड़े जाएंगे, और जो ये लोग पकड़े जाएंगे तब पता चलेगा कि उसमें सपाई कितने थे, कांग्रेसी कितने थे, और ये लीकर आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी सरकार में जो अयोग्य लोगों की भर्तियां हुई हैं, वही आज पेपर लीक में सहयोगी बन रहे हैं। इसीलिए जो प्यादे पकड़े जा रहे हैं वो मास्टरमाइंड का नाम बताएंगे कि वो समाजवादी पार्टी का कौन सा मुखिया है जो पेपर लीक में शामिल। रोटी सिर्फ समाजवादी पार्टी से चलती है, हिंदू मुसलमान समाजवादी पार्टी। अरे यार, कुछ प्रदेश देश के लिए करो, जनता के लिए करो, क्यों किसी के भरोसे जिंदगी जी रहे हो, क्यों किसी के भरोसे आप आश्रित हो? यार जो पकड़ा, UGC नेट का परीक्षा, UGC नेट का पेपर हुआ और एक दिन में पेपर कैंसिल कर दिया गया। नीट अब तक क्यों जो है घुमाया जा रहा है, गोल गोल घुमाया जा रहा है, क्यों? इसमें जो है बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं के लड़के शामिल हैं, इसलिए घुमाया जा रहा है। यूपी में जो परीक्षाएं हुई थी RO AR O की, इसके अलावा पुलिस भर्ती हुई थी, उसका पर्चा भी लीक हुआ था, उसमें अब जो है परीक्षा रद्द हो गई थी और तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं। प्रयागराज में कल 6 लोग पकड़े गए। देखिए, ये जब तक ये कोई भी सरकार हो, जब तक एजेंसियों से परीक्षाएं कराते रहेंगे, एजेंसियों में बिकने वाले लोग हैं और बिकते रहेंगे, और परीक्षा लीक होता होगा। कुल मिलाकर के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको बार बार तैयारी करनी पड़ रही है, बार बार एग्जाम देना पड़ रहा, रिजल्ट है नहीं है। शांत रहिए, मैं अभी आप शांत रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप केवल जो है वही आप बताइए, क्या लग रहा है कि ये राजनीति इसमें हो रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है, क्योंकि पेपर लीक पहले भी हुआ करते थे, लेकिन ये जो पेपर लीक हुआ है ये सरकार की तरफ से नहीं हुई है, ये विपक्ष ने इसमें अपनी साजिश शामिल की है, निश्चित ही इसी वजह से हुआ और सरकार के संज्ञान में आया है, इस पर वो संज्ञान लेगी और निष्पक्ष न्याय होगा, बच्चों के साथ भी न्याय होगा और जो दोषी हैं उनको बख्शा भी नहीं जाना चाहिए और ना जाएगा। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी बक्से जाएंगे, क्योंकि प्यादों को पकड़ करके वजीर को छोड़ा जाएगा, बस यही चल रहा है। देखिए, पकड़ा सबको जाएगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होगा, और योगी जी इतने सक्रिय हैं इस मामले में, अभी कल और परसों भी उन्होंने बैठक करी थी, इसी बात की करी थी, योगी जी के राज्य में ये बात तय मान लें कि अपराध शून्य है और नकल माफिया पकड़े जाएंगे, पेपर जितने लीक कराए जा रहे हैं वो पकड़े जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी 6 आदमी पकड़े गए हैं और ये 6 से सारे तार मिलेंगे और सब के सब सलाखों के पीछे होंगे और उनके घर भी बुलडोजर से ढहाए जाएंगे। हर भी बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई हो, इन पर से भरोसा उठ गया है, भाजपा पर से पूरी तरह से प्रदेश की जनता, देश की जनता का भरोसा उठ गया है। ये वादे करते आएंगे, पकड़े जाएंगे, कब पकड़े जाएंगे कोई पता नहीं है। पेपर दर पेपर लीक हो रहा है, परीक्षार्थी परेशान है, अभिभावक परेशान, इनकी परेशानी कोई समस्या के समाधान के पास नहीं है, ये पूरी तरह से फेल है। 8-10 लोग पहले पकड़े गए थे, 6 लोग कल पकड़े गए, नहीं होता है, वही बात है कि प्यादे पकड़े जाते हैं, वजीरों पकड़ना नहीं है इनको, सीधी सी बात है।